बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आज हम तीसरी क्लास में एनवायरनमेंट साइंस में आवर फर्स्ट स्कूल पढ़ेंगे। आवर फर्स्ट स्कूल, हमारा पहला मदरसा। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जब हम स्कूल जाते हैं तो स्कूल हम कहाँ से जाते हैं, तो हमें स्कूल छोड़ता कौन है, हमें स्कूल भेजता कौन है। तो यहाँ हम अपने घर की तरफ आएंगे, होम की तरफ आएंगे। जहाँ से हम स्कूल जाते हैं, हम अपने घर से अपने स्कूल तक जाते हैं। तो जब हम घर में देखेंगे तो घर में हमारे साथ जो रहते हैं, जो खाते हैं, जो पीते हैं, वो कौन है हमारे, वो हमारे क्या लगते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फादर, बाप, मदर, माँ, ग्रैंडफादर, दादा, ग्रैंड मदर, दादी, ब्रदर, भाई, सिस्टर, बहन, अंकल, चाचा, आंट, चाची। ये तो ऑटोमेटिकली हमारे घरों में होते हैं, ये हमारे घरों में हमारे घर के रहने वाले होते हैं। तो ये सब मिलकर फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट मिलकर हमारी फैमिली बनाते हैं। ये हमारे घर के फैमिली मेंबर होते हैं, हम बहुत कुछ इनसे ही सीखते हैं। जब तक हम स्कूल जाते हैं तब तक हम इन्हीं के साये में रहते हैं और इनसे कुछ न कुछ सीखते हैं, मदर से सीखते हैं, फादर से सीखते हैं, ग्रैंडफादर से सीखते हैं। जो भी हमारे घर के फैमिली मेंबर होते हैं, हम इनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो इसके बगैर हम बाहर से भी कुछ सीखते हैं। जहाँ हम बाहर से सीखते हैं वो तो हमारे यहाँ तो रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं, जिनको हम अड़ोस पड़ोस कहते हैं, हमसाया कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं, दोस्त कहते हैं। उनसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसके बाद जब हम स्कूल में जाते हैं, तो वहाँ भी हम भी बहुत सीखते हैं। लिहाजा जो हमारा फर्स्ट स्कूल है, पहला मदरसा है, वो हमारा घर है, और घर में जो हमें फैमिली मेंबर्स होते हैं, आयाल होता है, जो घर में हमें पकाते हैं, खाना देते हैं, चावल बनाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर चलाते हैं, वो हमारे फैमिली मेंबर होते हैं। माँ होती है, बाप होता है, दादा होता है, दादी होती है, भाई होता है, चाचा होती है, बहन होती है। ये सब मिलकर इनसे कुछ हम सीखते हैं, इसलिए जो हमारा पहला स्कूल है, पहला मदरसा है, वो हमारा घर है,